नमस्कार, आज के हिंदी समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। राउरकेला स्टील प्लांट के सीईओ ने राउरकेला के उद्योग संघों को दृढ़तापूर्वक कहा, हमें मिलकर अपने स्टेक होल्डरों की उम्मीदों और आकांक्षाओं को पूरा करना है। सेल राउरकेला स्टील प्लांट की नई प्लेट मिल में चिलर यूनिट का उद्घाटन। और सेल आरएसपी के स्टील टाउनशिप में बड़े पैमाने पर सैनिटाइजेशन कार्य जारी। अब समाचार विस्तार से। राउरकेला स्टील प्लांट के सीईओ श्री दीपक चटराज ने विभिन्न उद्योग संगठनों के साथ 9 जून 2020 को एक वेबिनार के माध्यम से विचार विमर्श करते हुए दृढ़तापूर्वक कहा, इस क्षेत्र में प्रगति की शुरुआत हुए, हमें मिलकर अपने स्टेक होल्डरों की उम्मीदों और आकांक्षाओं को पूरा करना है। इस विचार विमर्श में आरएसपी के कार्यपालक निदेशक सामग्री प्रबंधन श्री डी के महापात्र, अध्यक्ष राउरकेला चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज श्री प्रवीण गर्ग, जिला लघु उद्योग संघ के अध्यक्ष श्री प्रदोष मिश्र, महासचिव उड़ीसा असेंबली ऑफ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस श्री संदीप पाल, महासचिव उड़ीसा संघ एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन श्री प्रमोद विश्वाल और श्री सुदर्शन गोयल जैसे प्रमुख उद्योगियों ने इसमें भाग लिया। इस अवसर पर श्री चटराज ने स्थानीय उद्योगों को प्रगति की भागीदारी के रूप में संबोधित किया और कहा, अक्टूबर 2019 से अप्रैल 2020 तक उड़ीसा राज्य में इस्पात के उत्पादन और खपत में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। उन्होंने जोर देकर कहा कि ये परिप्रेक्ष्य एक दृश्यमान परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। सीईओ ने वर्ष 2019-20 में इस्पात संयंत्र की उपलब्धियों और चालू वित्त वर्ष के पहले दो महीनों में प्लांट के निष्पादन पर कोविड-19 के प्रभाव के बारे में भी विस्तार से कहा। उन्होंने आगे कहा, हमारी वित्तीय स्थिति तनाव में है, लेकिन परिदृश्य में सुधार हो रहा है। हाल ही में हमने चीन और वियतनाम को स्लैब और प्लेटों का निर्यात किया है, जिससे हमें नगद उपार्जन में मदद मिली है। हम नई विशिष्टताओं के और आकारों के साथ उत्पाद भी बना रहे हैं, जिनमें से कुछ स्थानीय स्तर पर उपयोग किए जा सकते हैं। श्री चटराज ने हाल ही में आरएसपी द्वारा आपूर्तिकर्ताओं के लिए परिचालन सुगमता को बढ़ाने के लिए उठाए गए विभिन्न कदमों पर भी चर्चा की, जैसे कि सप्लायर रिलेशनशिप मैनेजमेंट प्रणाली की शुरुआत, हीराकुंड गेट का संशोधन आदि। प्रारंभ में श्री डी महापात्र ने प्रतिभागियों का स्वागत किया और कार्यक्रम के उद्देश्य के बारे में बताया। आरएसपी और उद्योग संघों के बीच संबंधों को सहजीवी के रूप में बताते हुए उन्होंने उन संबंधों को मजबूत करने का आग्रह किया जो पारस्परिक रूप से लाभप्रद होंगे। उन्होंने आगे कहा कि कोविड-19 ने हमें विदेशों के बजाय निकट संबंधी आपूर्तिकर्ताओं के साथ बेहतर व्यापार करना सिखाया है। ये आत्मनिर्भर भारत की अवधारणा का भी एक हिस्सा है। विचार विमर्श के दौरान एसआरएम सिस्टम को अधिक प्रभावी बनाने, जीईएम पोर्टल का उपयोग करते हुए लॉकडाउन के कारण डिलीवरी शेड्यूल का विस्तार करने, उपयोगी विभागों के साथ बैठकों का आयोजन, रसद मुद्दों आदि पर विस्तार से चर्चा की गई। उद्यमियों ने नियमित विचार विमर्श सत्र आयोजित करने और एसआरएम प्रस्तावना के लिए सीईओ का धन्यवाद दिया। सीजीएम विपणन श्री आरके दानी ने अंत में धन्यवाद ज्ञापित किया। सहायक महाप्रबंधक MMPIVT श्रीमती आनंदिता महापात्र ने कार्यक्रम का संचालन किया। सेल राउरकेला स्टील प्लांट के न्यू प्लेट मिल में 8 जून 2020 को कार्यपालक निदेशक वर्क श्री पी के दास द्वारा एक चिलर यूनिट का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर कार्यपालक निदेशक परियोजना श्री पी कुमार और परियोजनाओं एवं नई प्लेट मिल विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे। इस कार्यक्रम का आयोजन कोविड-19 से संबंधित सामाजिक मानदंडों जैसे मास्क पहनना, विभिन्न मानदंडों का पालन करते हुए किया गया था। उल्लेखनीय है कि प्रत्येक चिलर यूनिट में 700 टीआर की 3 रेफ्रिजरेशन मशीनों के साथ चिल्ड वाटर पंप्स,
कूलिंग वाटर पंप्स, कूलिंग वाटर AHU यूनिट्स और चिल्ड वाटर पाइपलाइन का एक विशाल नेटवर्क है। ये इलेक्ट्रिकल कंट्रोल रूम, ड्राइव रूम, कंट्रोल रूम और विभिन्न ऑपरेटिंग पल्पिट्स में तापमान बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इससे पहले चिलर यूनिट के अनुपलब्धता के कारण लंबे समय तक मिल को बंद करने में विद्युत घटके की विफलताएं इसके उदाहरण थे, जो न्यू प्लेट मिल में उत्पादन को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर रहा था। चिलर यूनिट के चालू होने से विद्युत घटकों की विफलता से बचा जा सकेगा और मिल के समग्र निष्पादन में सुधार होगा। सेल रौरकेला स्टील प्लांट के पब्लिक हेल्थ विभाग और अग्निशमन सेवा विभाग ने COVID-19 के खिलाफ लड़ाई के तहत स्टील टाउनशिप के विभिन्न क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर स्वच्छता अभियान को जारी रखा है। विभाग ने स्टील टाउनशिप में विभिन्न अति संवेदनशील स्थानों की पहचान कर कीटाणुनाशकों का छिड़काव कर स्वच्छ कर रहे हैं। टीम ने निवासियों के बीच कोविड के बारे में बड़े पैमाने पर जागरूकता पैदा करने के लिए अभियान को भी व्यापक बनाया है। विभागों ने 6 जून 2020 को सेक्टर 2 के बाजार क्षेत्रों और NIT सड़कों पर सैनिटाइजेशन अभियान चलाया। इसके बाद सेक्टर 7 बाजार में बड़े पैमाने पर सफाई अभियान चलाया गया। बाजार समितियों ने भी इन अभियानों में मदद की। हिंदी समाचार कक्ष आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।